आज हम आपकी इंग्लिश की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 जिसका नाम है चंकी द मंकी। CHUNKEY चंकी, THE MONKEY मंकी, चंकी द मंकी। इसके हार्ड वर्ड्स हम चैप्टर में से राइट करेंगे जो है SCARAD स्केयर्ड, FAVORITES फेवरेट्स, ALONG अलॉन्ग, CUTE क्यूट। ये सारे वर्ड्स आपके लिए न्यू भी होंगे और हार्ड भी होंगे। फर्स्ट कमिंग क्यूट मीनिंग होता है प्यारा, स्केर्ड यानी डरा हुआ, फेवरेट्स यानी कि पसंदीदा, अलॉन्ग यानी साथ साथ में। तो ये आपके हार्ड वर्ड्स हैं, इनको आपको राइट कर कर इनकी स्पेलिंग्स लर्न करनी है। आइए हम पोएम की स्टार्टिंग करते हैं। पोएम की फर्स्ट लाइन MY आपको यह पोएम मेरे साथ घर पर बैठ कर रीड कर रही है तभी आपको इंग्लिश की पोएम रीड करने में आसानी होगी। MY PETS pets, NAME name, IS is, CHUNKY चंकी। My pet's name is चंकी, यानी मेरे पेट यानी मेरे पालतू जानवर का नाम चंकी है। सेकेंड ITES is a CUTE cute, LITLE little, MONKEY monkey, इट्स अ क्यूट लिटिल मंकी। वह एक छोटा, क्यूट यानी प्यारा, लिटिल यानी छोटा, मंकी यानी बंदर, वह एक छोटा प्यारा सा बंदर है। इट LOVES लव्स टू, JUMPY जम्प, FROM फ्रॉम, TREE ट्री, TO2 TREE ट्री। इट लव्स टू जम्प फ्रॉम ट्री टू ट्री, उसे एक पेड़ पे से दूसरे पेड़ पर कूदना बहुत ज़्यादा पसंद है। नेक्स्ट लाइन BUT बट, IS इज, VERY वेरी, SCARAD स्केर्ड, OF ऑफ, BEE बट इज वेरी स्केर्ड ऑफ बी, उसे मधुमक्खियों से बहुत डर लगता है क्योंकि मधुमक्खियों के छत्ते पेड़ पर आपने कई बार देखे ही होंगे और जब बंदर एक पेड़ पे से दूसरे पेड़ पर उछलता है तो उसके छत्ते की मधुमक्खियाँ भी हिल जाती हैं और वो उसे काटने लगती हैं। तो चंकी को एक पेड़ पे से दूसरे पेड़ पर कूदना तो बहुत पसंद है लेकिन उसे मधुमक्खियों से बहुत डर लगता है। नेक्स्ट लाइन BANANA बनाना इज, ITS इट्स, FAVORITES फेवरेट्स, FOOD फूड। बनाना इज इट्स फेवरेट्स फूड, बनाना उसका बहुत पसंदीदा फेवरेट फूड होता है। जैसे हमारा भी कोई ना कोई फेवरेट फूड होता है जैसे चॉकलेट, आइसक्रीम, ऐसे ही चंकी का फेवरेट फूड है बनाना। नेक्स्ट BITE बाइट, OF ऑफ इट, अ बाइट ऑफ इट, CHANGES चेंजेस इट्स मूड, अ बाइट ऑफ इट चेंजेस इट्स मूड। बनाना की एक बाइट खाते ही उसका मूड बहुत बदल जाता है, जैसे कि हम बच्चों का चॉकलेट खाते ही मूड बहुत खुशी से उछल जाता है, वैसे ही चंकी को भी बनाना बहुत पसंद है और वो उसका एक कोर खाते ही बहुत खुश हो जाता है। इट हैज़ अ टेल, थिन एंड लॉन्ग, थिन यानी पतली और लॉन्ग यानी लंबा, तो इट हैज़ अ टेल यानी उसकी एक पूँछ है पतली सी और लंबी, तो चंकी की एक पूँछ है लंबी और पतली पूछ है। नेक्स्ट लाइन WHERE वेर एवर आई गो इट कम्स अलॉन्ग, जहाँ भी मैं जाता हूँ वह मेरे साथ साथ में आता है। अब हम साथ में पूरा चैप्टर एक बार रीड करते हैं। माई पेट्स नेम इज चंकी, इट्स अ क्यूट लिटिल मंकी, इट लव्स टू जम्प फ्रॉम ट्री टू ट्री बट इज वेरी स्केर्ड ऑफ बी, बनाना इज इट्स फेवरेट फूड, अ बाइट ऑफ इट चेंजेस इट्स मूड, इट हैज़ अ टेल थिन एंड लॉन्ग, वेर एवर आई गो इट कम्स अलॉन्ग। इसी के साथ आपका चैप्टर 5 पोएम कंप्लीट होती है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। जब तक आपके घर को होमवर्क में इस पोएम को बार बार रीड कर कर देखना है और इसमें दिए हुए हार्ड वर्ड्स की स्पेलिंग याद करना है ताकि उस वक्त जब भी हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे तो आपको हेल्प हो सके और आपको सारे आंसर्स की स्पेलिंग याद रहे।